भाग्यलक्ष्मी की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे फाइनली वो दिन आ गया है जहां मलिष्का अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी और जिस कार का उसने ब्रेक फेल किया है उस कार का नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कार वीरेंद्र और लक्ष्मी लेकर जाएंगे। कल आपको बता दें कि आगे की कहानी में कार में वीरेंद्र और लक्ष्मी होने वाले हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि ओबेरॉय परिवार को जब ये पता चलेगा तो वो भी हैरान होने वाले हैं और ऋषि और परिवार के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं जहां लक्ष्मी की कार यानी वीरेंद्र की कार खाई में अटक जाएगी। जी हां, ब्रेक फेल होने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और कार को नहीं कंट्रोल कर पाएगा वीरेंद्र और इसी वजह से दोनों के साथ बड़ा हादसा होने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि आगे की कहानी में वीरेंद्र और लक्ष्मी दोनों ही कार में फंसे होंगे बीच में, जहां लक्ष्मी वीरेंद्र को बचाने की कोशिश करेगी और वीरेंद्र लक्ष्मी को बचाने की, और वहीं पर परिवार भी आएंगे, पुलिस भी आएगी और सभी लक्ष्मी और वीरेंद्र को रेस्क्यू करने लग जाएंगे। लेकिन क्या होगा इन दोनों का? क्या ये दोनों बच पाएंगे या दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी? बाकी की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।